business ideas जिंदगी और वक्त वर्ल्ड के बेस्ट टीचर्स हैं क्योंकि जिंदगी हमें वक्त का सही इस्तेमाल सिखाती है और वक्त हमें जिंदगी की, की कीमत समझाता है इसीलिए जिंदगी और वक्त का सदुपयोग करते हुए एक बार फिर से शिल्पा भावना आ गई है लेकर बिजनेस लॉज की नॉलेज बुक बिग बिजनेस आइडियाज पावर्ड बाय टैफ फॉक्स बियॉन्ड सोशलाइजिंग दोस्तों आज हमारे देश में लगभग 6 करोड़ एम हैं उनमें से कुछ इंडस्ट्री सेक्टर में हैं और कुछ सर्विस सेक्टर में हैं सब अपना अपना अलग-अलग बिजनेस कर रहे हैं लेकिन इसके बावजूद एक चीज है जो उन सब में कॉमन है और वो है उनकी अकाउंटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स किस तरह से उनकी उस समस्या का समाधान किया जा सकता है और कैसे एक सही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अपनाकर आप अपने बिजनेस को ग्रोथ दे सकते हैं यह बताने के लिए हमेशा की तरह हमारे स्टूडियो में आ रहे हैं द अदर the business books, the philanthropist, the big business expert, Mr. Sunil Kumar Gupta. Namaskar, सर Namaskar. बहुत बहुत स्वागत है आपका धन्यवाद सुनील uh, जी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम ऑन्टरप्रन्योर्स जिनको हम कह सकते हैं ये एक ऐसा व्यवसायी होता है जिसके पास पूंजी तो सूक्ष्म होती है नॉलेज लघु होती है और सपोर्ट बड़ा मध्यम सा होता है ऐसे में जब वो अपने किसी बड़े आइडिया को फ्लरिश करना चाहते हैं तो ये जो कागज़ी कार्रवाई है ये इस पेचीदा कागज़ी कार्रवाई में फंस के ये उस बिजनेस को शायद ऊपर नहीं उठा पाते आपका क्या कहना है बिल्कुल ठीक बात है आ, बड़ा गंभीर प्रश्न है ये क्योंकि जो इंटरप्रनर होता है हमारे देश में अगर देखें तो 96 परसेंट जो एमएसएमई सेक्टर में हैं वो प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है मतलब उसे एक व्यक्ति चला रहा है तो वो जो व्यक्ति चला रहा है उसी के पास बिजनेस आइडिया होता है वही अपनी पूंजी लगाता है वही मार्केटिंग देखता है वही एचआर देख रहा है वही अकाउंटिंग देख रहा है तो सभी कुछ वो देख रहा है सिंगल हैंडेडली सिंगल हैंडेडली तो उसमें अकाउंटिंग सबसे आखिर में आ जाता है क्योंकि वो इमिडिएटली कुछ इफेक्ट नहीं करता तो उन्हें लगता है शायद इसकी अभी जरूरत नहीं है जबकि ये एक ऐसी चीज है जो शायद पहले से दिखाई ना दे लेकिन लॉन्ग रन में इसका जो असर है वो जरूर नजर आता है बहुत इसके जो सीरियस इम्प्लीकेशन हैं अगर आप उसको ठीक से नहीं मेंटेन करते उसके दोनों तरफ के हैं एक तरफ आपकी ग्रोथ रुकती है बिजनेस की क्योंकि आपको फाइनेंस मिलने में मुश्किल होती है अगर आपके अकाउंटिंग प्रेजेंटेशन बैलेंस शीट अच्छी नहीं होती और दूसरी तरफ कुछ लीगल कंप्लाइंस जो कि जरूरी हैं जी। वो मिस कर जाते हैं तो हैवी पेनल्टी लगती है आपके ऊपर तो वो इतनी हैवी पेनल्टी तो हो चुकी है आपने कमाया है उससे ज्यादा हम लोगों को पेनल्टी भी, भी, पेनल्टी भी सकती, सकती, पड़ सकती है आपका बिजनेस क्लोजर की तरफ भी जा सकता है उसमें कई ऐसे है जिसमें प्रोसिक्यूशन तक है माई गॉड तो इसीलिए अकाउंटिंग के लिए प्रॉपर अकाउंटिंग मेंटेन करना एमएसएमई सेक्टर के लिए बहुत ही जरूरी है अगर मान लीजिए कोई व्यवसायी बिकॉज अगर आज के समय में हम बात करें जितने व्यवसायी हैं सबके पास माइंड ब्लोइंग आइडियाज़ हैं आइडियाज़ बहुत अच्छे हैं उसको वो इम्प्लाई इम्प्लीकेशन भी उसका बहुत अच्छे से करना चाहते हैं लेकिन उन्हें नॉलेज नहीं होती है अकाउंटिंग के बारे में तो मैं चाहूँगी कि पहले उन्हें आगाह ज़रूर किया जाए कि अगर वो इन अकाउंटिंग प्रैक्टिस को सही तरीके से नहीं करते हैं तो क्या क्या नुकसान हो सकता बिल्कुल जैसे मैं अभी बता रहा था आपको कि एक बहुत बड़ा नुकसान है कि जो लीगल कंप्लाइंस है वो मिस हो जाते हैं उनकी डेट निकल जाती है जैसे कि मान लीजिए बैट रिटर्न फाइल करनी है आपको तो उसकी डेट निकल गई सर्विस टैक्स नंबर कब लेना है आपकी टर्न ओवर नाइन लैक से क्रॉस हुई तो आपको नंबर अप्लाई करना है दस लाख से ऊपर में सर्विस टैक्स जमा करना है आपने नहीं ध्यान दिया, दिया तो उसका इंप्लीकेशन है उसमें प्रोसिक्यूशन तक है आपको जी, जी, जी तो इसीलिए आपको यह इंपॉर्टेंट है कि आप सारे के सारे कंप्लाइंस देखें क्योंकि अगर कोई भी चीज मान लो टीडीएस काटना है किसी का और टीडीएस काट के जमा करना है टाइम पे जमा करना है और उसकी रिटर्न टाइम पे फाइल करनी है जी, इन तो गर, का ख्याल रखना, ख्याल रखना अगर है अगर आपकी अकाउंटिंग ही प्रॉपर नहीं है तो आपको पता ही नहीं कब मैंने पेमेंट करी कब मैंने अकाउंट काटना था काट लिया तो जमा कब करना था कर लिया जमा तो रिटर्न नहीं फाइल की तो अकाउंटिंग का प्रॉपर होना बहुत जरूरी है किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुली चलाने के लिए जी तो क्योंकि अकाउंटिंग इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो क्यों ना हम अपने साथ एक ऐसे ही गेस्ट को शुमार कर लें जो इस पर बहुत अच्छे से रोशनी डाल सकते हैं बिकॉज ही इज प्रोफ़िशिएंट इन दिस उन्हें बुला लिया sure. जाए दोस्तों आज के हमारे जो मेहमान हैं उनके बारे में मैं जरूर आपको बताना चाहूंगी ही इज प्रोफिशियंट इन हैंडलिंग अकाउंटिंग फॉर स्मॉल बिजनेस ही इज प्रोफेशनल अकाउंटिंग एडवाइजर टू मोस्ट ऑफ द एम एस एम ईज प्लीज वेलकम मिस्टर रितेश गांधी नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है प्लीज रितेश जी यू आर एक्सपर्ट इन हैंडलिंग अकाउंट्स फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस आप प्रोफेशनली एडवाइज भी करते हैं उनको आप हमें बताएं जब इस तरह का जब काम एमएसएमई का फैलता है वो अपने काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं सब कुछ करना चाहते हैं तो ये जो अकाउंटिंग है इसकी वजह से जो हम लोग कहते हैं कि अगर नहीं उसको ठीक से मेंटेन किया गया तो नुकसान बहुत ज़्यादा है आपको क्या लगता है क्यों एक छोटा उद्यमी इन चीजों को मेंटेन नहीं कर पाता क्यों सिचुएशन होती है है कि हमें आज डिस्कस करना पड़ रहा है इसके बारे में छोटा उद्यमी जो है वो अकेला ही पर्सन है जो अपने बिजनेस को खुद को हैंडल कर रहा है बिजनेस के लिए उसको परचेज भी देखना पड़ता है सेल्स भी देखना पड़ता है एचआर भी वो मैनेज करता है बैंकिंग की भी वो मैनेज करता है स्टॉक भी वो मैनेज करता है

ये स्कीम्स काफ़ी हद तक लोगों तक मेजॉरिटी लोग क्लेम भी कर रहे हैं बट इस स्कीम में थोड़ी लैक्विना भी है जैसे कि कॉम्पलायसेस इसे बिगर प्रॉब्लम इन दी स्कीम्स छोटे छोटे कॉम्पलायसेस से, से इधर आपने मिस्टेक कर दी इधर डिस्क्रिप्शन अलग लिख गया तो आपका क्लेम कैंसिल हो गया गवर्नमेंट भी बहुत सारी स्कीम्स है वो अच्छी है और बैंक की भी बहुत सारी ऐसे रहते हैं स्कीम जिसमें आपको इंटरेस्ट कम लगे या जल्दी आपको फाइनेंस मिले लेकिन क्या है बैंक इतने एडवाइस देती नहीं है कस्टमर को तो छोटी छोटी सी चीजें हैं जो बाद में जाके बड़ा बवाल बन जाती हैं। देखिए अकाउंटिंग को ठीक मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि अगर आपके अकाउंटिंग प्रॉपर नहीं होगी तो आप जो लास्ट में बैलेंस शीट ड्रॉ करते हैं वो ठीक नहीं बनेगी तो आपको अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए जो फाइनेंस चाहिए वो आपको टाइम पे नहीं मिलेगा जी प्रॉपर नहीं मिलेगा पूरा नहीं मिलेगा जब पूरा फाइनेंस ही आपके पास नहीं होगा तो आप आगे अपना बिजनेस ग्रो नहीं कर सकते क्योंकि वो तो बेसिक नीड है किसी भी काम को आगे चलाने के आपकी बैलेंस शीट आपके अकाउंटिंग और जब आपके अकाउंटिंग में कुछ ड्रॉबैक है मान लीजिए आपके अकाउंटिंग में आपने कुछ कंप्लाइंस पूरे नहीं किए और उसके एवज में आपके ऊपर कुछ पेनल्टीज लगी हुई है जी। तो जब कोई आपकी बैलेंस शीट देखता है यदि मान लीजिए कोई इन्वेस्टर देख रहा है या कोई पार्टनर देख रहा है जो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो देखता है कि आप अपने बिजनेस के कंप्लाइंस पूरे नहीं कर रहे जिस वजह से आपको पेनल्टीज लगी हुई हैं, तो उसे आपकी कैपेबिलिटीज पे डाउट होता है कि आप जब अकाउंटिंग hmm. ही पूरा मेंटेन नहीं कर रहे अपना प्रॉपरली तो, तो बिजनेस मॉडल कैसे चलाएंगे तो बिजनेस मॉडल कैसे चलाएंगे और जब मेरा पैसा लगेगा तो उसको कैसे मेंटेन करेंगे या उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी राइट right. तो उसमें बड़ी दिक्कत आती है hmm. एक तो यह पक्ष है कि आप ग्रो कैसे करते हैं जी. ऐसे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं hmm. लाइव एग्जाम्पल जिसमें कि दो मैंने देखे हैं कि दो लोगों ने बैंक में लोन अप्लाई किया एक की नेटवर्थ दूसरे से बहुत कम है लेकिन उसकी अकाउंटिंग प्रॉपर है तो उसको लोन एकदम मिला जी। दूसरे की नेटवर्थ बहुत ज्यादा है टर्न ओवर उससे बहुत ज्यादा है लेकिन उसकी लोन नहीं मिला क्योंकि उसकी बैलेंस शीट प्रॉपर्ली ड्राफ्टेड नहीं थी तो अगर आपकी अकाउंटिंग प्रॉपर नहीं है तो आपकी बैलेंस शीट ठीक से ड्रॉ नहीं होगी अगर आपने प्रॉपरली अकाउंटिंग नहीं किया और आपके ऊपर कोई भी पेनल्टी लगती है या कोई भी आपका केस खुलता है दोबारा केस चलता है तो उसमें आपका टाइम बहुत जाता है

ओनली जो अकाउंटिंग में दिक्कतें आती है वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होने की वजह से आती है एसएमए uh -huh. के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन फॉर मेंटेनिंग प्रॉपर अकाउंट वेरी मस्ट अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है उनके पास तो अकाउंटिंग इज नॉट ए चैलेंज एट ऑल आप अगर आपके कंसल्टेंट का भी अप्रोच करेंगे तो भी अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर है तो वो इजीली आपको अकाउंट को कंप्लाई कर पाएगा पर अगर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है आपके पास तो इट्स हेड एक फॉर कंसल्टेंट एज वेल एज फॉर ओनर्स ऑल्सो तो डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बुक कीपिंग के लिए विदाउट इट इट can't बी पॉसिबल जी तो डॉक्यूमेंटेशन आपने जैसे बोला कि डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से हो जाए तो उसके बाद वो जो हमारे कंसल्टेंट हैं उनके लिए भी easy होता है हमको कुछ भी एडवाइस करना या हमें आगे का रास्ता दिखाना बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन उस कंसल्टेंट को हायर करना बड़ा मुश्किल है सर बड़ी बहुत ज्यादा फीस होती है कौन <laughs> उनको नहीं बल्कि मेरे को लगता है कम होगी क्योंकि यदि एक स्मॉल बिजनेस वाला एक अकाउंटेंट रखता है तो उसको कम से कम दस हजार रूपये बारह हजार रुपए और तीस चालीस हजार रुपये तक का अकाउंटेंट मिलता है जी और यदि यही काम वो कंसल्टेंट को देता है तो वो उसका हजार दो हजार या तीन हजार महीना पे काम हो सकता है ऐसा हो सकता है हाँ, क्योंकि वो कंसल्टेंट एक साथ बीस पचास या सौ लोगों के अकाउंट मेंटेन कर रहा है तो वो भी इंटरप्रनर बनता है वो भी ज्यादा अर्न करता है और आपको बहुत कम पैसे देने में एक अच्छा कंसल्टेंट मिलता है जो कि आपके अकाउंटिंग को बड़े अच्छे तरीके से मेंटेन करता है अकाउंटिंग ऐसा है अकाउंटिंग ऐसा है कि एक छोटे पौधे की मूल जैसा है अगर उसको हमने प्रॉपरली ग्रो किया उसको किया, तो वो छोटा पौधा जल्दी से मजबूत भी बन सकता है। है, हाँ। तो हर के लिए बहुत चाहे वो वो छोटा हो या medium scale हो। हो या और वो जब तभी मेंटेन हो पाएगा जब प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन होंगे तो आप लोगों को जरूर ख्याल रखना है कि अगर आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन बकायदा करते हैं तो एक बेहतर अकाउंटिंग का पहला पायदान पर तो आप पहुंच जाते हैं उसके बाद कुछ और पायदान भी हैं क्या है कैसे आप उन अकाउंटिंग के पायदान पर पहुंच सकते हैं और कैसे उसके जरिए अपने बिजनेस को और बढ़ा सकते हैं बताएंगे आपको इस छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए बिग बिजनेस आइडियाज भारत का विकास लाखों एम की कामयाब कहानियों से जुड़ा है क्योंकि हर एम के पास होता है बिजनेस करने का इनोवेटिव आइडिया और अगर आप भी कर रहे हैं अपने बिजनेस में कुछ अलग या नया तो आइए और बनिए हमारे मेहमान on अच्छा किया बबलू जो तुम इन छुट्टियों में आ रहने चले आए तुम होते हो तो मुझे सिया की कोई चिंता नहीं होती अच्छा मैं चलती हूँ ऑफिस के लिए लेट हो रही मम्मा मुझे अकेले छोड़ के मत जाओ अकेले कहाँ बेटा बबलू भैया है ना हाँ मुझे नहीं रहना भैया के साथ भैया गंदे हैं बेटी की सुरक्षा के लिए परिचितों या रिश्तेदारों पर भी सोच समझकर भरोसा करें। दिली पुझे, दिली पुझे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका आप देख रहे हैं बिग बिजनेस आइडियाज पावर्ड बाय टैप फॉक्स बियॉन्ड सोशलाइजिंग सुनील जी आपसे जानना चाहेंगे कि जब हम एक ऑन्टरप्रन्य की बात करते हैं उनका टोटल फोकस अपने काम पे होता है अपने आइडिया पे होता है जिसको वो और ज्यादा फ्लरिश करना चाहते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं लेकिन गलती कहाँ हो जाती है क्यों अकाउंटिंग में मात खा जाते हैं क्योंकि जब है जैसा आपने कहा उसका पूरी क्रिएटिविटी उसका पूरा ध्यान अपने बिजनेस प्लान के ऊपर होता है जी। तो कई बार उसको बड़ा कंफ्यूजन रहता है अगर वो प्रॉपर अकाउंटिंग मेंटेन नहीं करता तो हाँ। उसे ये पता ही नहीं होता मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ राइट तो वो ये नहीं डिफरेंशिएट कर पाता कि ये पर्सनल मेरा पैसा है ये मेरा पर्सनल फाइनेंस है और ये मेरा बिजनेस का है

कई बार क्या कंफ्यूजन होता है टेक्नोक्रेट को वो कैश फ्लो और प्रॉफिट में अंतर नहीं जान पाता जैसे कैश फ्लो का मतलब हुआ कैश कैश आया cash किया। हाँ। तो मान लीजिए आज मेरे पास एडवांस आना शुरू हो गया तो मेरे अकाउंट में आज पचास लाख रुपए आ गया जी। तो मेरे को लगता है कि मेरे अकाउंट में पचास लाख पड़ा है मतलब बड़ा पैसा है मेरे पास बड़ी इनकम हो रही है अभी ये नहीं पता है कि इस पचास लाख में से पैंतालीस लाख तो एडवांस आया हुआ है जो कि मेरे को अलग अकाउंट में रखना है इसमें से प्रॉफिट का तो कुछ शेयर ही नहीं है क्योंकि जब मैं वो काम एग्जीक्यूट कर दूंगा हुँ, हुँ, हुँ। उसको एग्जीक्यूशन में जो खर्चा आएगा जी। इन हाउस आएगा या मुझे बाहर से बेंडर से कराना है इंप्लॉय की सैलरी देनी है कोई प्रोडक्ट खरीदना है कोई मिक्स करना है तब कहीं जाके प्रॉफिट निकलेगा जी तो प्रोवाइड तो है। है कर दी, सर्विस में है तो आपने सर्विस कर दी अगर मान लो मैन्युफैक्चरिंग में तो प्रोडक्ट बना के डिलीवर कर दिया उसे कई बार ही लगने लगता है कि मैं तो लॉस में हूँ मेरे पास तो पैसा ही नहीं है और मेरे को तो अब कैसे आगे चलूंगा लेकिन उसको ये नहीं पता होता उसकी रिसीवेबल बहुत सारे हैं हाँ। उसको पेमेंट आने ही बहुत सारे हैं बहुत सारी जगह काम एग्जीक्यूट कर दिया है जिसकी पेमेंट किसी वजह से जैसे किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का किया तो वहां से अक्सर लेट हो जाती है या किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का किया वहाँ बैंडर कोड ही नहीं खुल पाया उसका अभी तक हाँ। तो वो डिले हो गई पेमेंट तो कैश फ्लो में दिक्कत है लेकिन प्रॉफिट अच्छा है तो ज्यादा पैसे होने का मतलब ये नहीं है प्रॉफिट में है और कम पैसे का मतलब ये नहीं कि किया लॉस में इसे समझना बहुत इसे समझना बहुत वो तभी होगा जब प्रॉपर अकाउंटिंग होगी ऐसे ही कई बार वो कंफ्यूजन हो जाता है कि जो एक बैंडर होता है जिससे हम माल लेते हैं और एक हमारे एम्प्लॉय होते हैं तो हमारे इंप्लॉय के लिए अलग तरीके से पेमेंट स्ट्रक्चर होता है उनको महीने में एक ही बार पेमेंट करनी होती है और उसकी पेमेंट के साथ कुछ और पेमेंट होती है ई एस ईएसआई भी देना है पीएफ भी देना है टीडीएस काटना है लेकिन जो बैंडर होता है उसको जब माल खरीदते हैं तभी पेमेंट देनी होती है तो इन दोनों में फर्क करना जरूरी होता है इन सारी चीजों के को समझने के लिए प्रोफेशनल एडवाइजर्स है तो उनमें से एक आज हमारे साथ यहाँ हुए रितेश जी आपने जिक्र किया था कि जो हमारे एमएसएमई है वो अपने बिजनेस को और अच्छा बढ़ा सकते हैं अगर उनकी अकाउंटिंग प्रॉपरली है बिल्कुल उसमें

उसको प्रॉपरली रखना है प्रॉपरली फिजिकली रख सकता है या उसकी सॉफ्ट कॉपी भी रख सकता है इसके है। लिए एंट्रप्रटेंट वो है कि वो हर एक जगह पर अपने ई मेल से रजिस्ट्रेशन करवा दे ताकि कोई भी एक्सपेंडिचर के बिल्स है इन है, लाइक इलेक्ट्रिसिटी टेलीफोन म्यूनसिपल टेक्स तो सब उसके ईमेल में ही आ जाए अकाउंटिंग okay. करते टाइम सबसे बड़ी दिक्कत वही होती है कि डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल नहीं होते और वो ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं कि वो रिपीटेडली डिमांड कर भी नहीं सकते, नहीं कर सकते. तो इसकी वजह से ईमेल का यूजेज करने से या मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करने से ये सभी डॉक्यूमेंट्स हमें एक जगह पर मिल जाते हैं अभी ये डॉक्यूमेंटेशन वो सॉफ्ट कॉपी में कोई अपने कंप्यूटर में स्टोर भी कर सकता है स्कैन करके रख सकता है व्हाट्सअप से फोटो खींच कर रख सकता है या फिजिकल रख सकता है उसके बाद वो सभी इकट्ठा करके कंसल्टेंट को पहुंचा दे तभी right. वो अकाउंटिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा वहाँ से जी तो बेसिकली अगर देखा जाए आज के समय में टेक्नोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती बहुत है वाइल हैविंग योर राइट अकाउंटिंग हमने कुछ लोगों से बात की थी आपको दिखाना चाहेंगे उसके बाद बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग हाँ, हाँ, आज की डेट में बहुत कंपिटिटिव है और बहुत मुश्किल है उसके लिए इतने डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के लिए सबके लिए जो है उनको एक एक आदमी रखना पड़ता है खर्चे इतने बढ़ जाते हैं कि वो बर्दाश्त नहीं आदमी जो हमारे अब अभी अब अभी अब अभी अभी बच्चे हैं वो इतने फ्लाइट एक एक दो दो बच्चे हैं इतने पोलाइट पड़े हुए हैं इतने फ्लाइट पाला हुआ है बच्चों को हर पेरेंट्स ने वो इतनी हार्ड जो हैं वो नहीं मेहनत कर पाते जिससे कि वो इजी की तरफ जाते हैं कि हम सर्विस करें जो पांच आदमी अलग अलग अपना अलग अलग बिजनेस चला रहे हैं यदि वो जुड़ जाते हैं तो उनकी मैन पावर कॉस्ट भी कम होती है वो रो मटेरियल भी सस्ता परचेस कर सकते हैं क्योंकि बल्क में परचेस करेंगे और वो कॉम्पिटेटिव रेट भी मार्केट में डालते हैं अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं तो ये तो बात हो रही है मैन्युफैक्चरिंग की कि पांच लोग मिल जाते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट कम होती है सब कुछ कम होता है लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे जो एम एस एम उनके ऊपर जो अकाउंटिंग की कॉस्ट आती है वो भी इसी तरह से अगर मिलजुल के कहीं हो सके और उसकी कॉस्टिंग कम हो सके इसका कोई सलूशन है बिल्कुल यही सलूशन है देखिए जो मैं बता रहा था कि एक अकाउंटेंट को अफोर्ड करना मुश्किल है हाँ। लेकिन अगर कंसल्टेंट को रखता है तो बहुत कम कॉस्ट में मिलता है Hmm. क्योंकि जैसा भी रितेश जी बता रहे थे बड़ा डायनेमिक आइडिया है कि आपने सब जगह रजिस्ट्रेशन ई कर लिया hmm. तो आपको सारे भी ई पे आ जाएंगे right. तो आपका कितना आसान काम है कि आपने वो ईमेल फॉरवर्ड करते रहना जैसे वो पहले अपने गुरचंद जी कह रहे थे कि बिल्कुल ठीक बात है कि आजकल के बच्चे प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में पले हुए हैं बिल्कुल तो प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट का मतलब कि वो इतने सारे डिपार्टमेंट से इंटरेक्शन करना ट्रैक रखना इतने सारे लोगों को रखना difficult. मुश्किल है क्योंकि इससे मैन पावर कॉस्ट भी बढ़ती है कम से कम दो अकाउंटेंट इसे रखने पड़ते हैं आदमी को कि एक आदमी जो सेल टैक्स देखता है और जो ई एस आई पी एफ देखता है उसे इनकम टैक्स की नॉलेज नहीं होती और जो इनकम टैक्स देख रहा होता है उसे नॉर्मली वेट और ई एस आई पी एफ की नॉलेज नहीं होती तो आपको नॉर्मली दो अकाउंटेंट रखने पड़ते हैं लेकिन अगर रखते हो तो वो एक ही सब कुछ करेगा बहुत कम पैसे में करेगा क्योंकि वो बिल्कुल का तो वो, तो वो भी एक, yes, yes, वो भी एक definitely, बहुत definitely, बड़ा बिजनेस आईडिया yeah. रितेश जी हम लोग जो अभी बात करे थे कि अकाउंटिंग को अच्छा करने के लिए आपने पहला पैदर्न बताया डॉक्यूमेंटेशन उसमें भी एक बहुत लंबी कड़ी है जिसको हमें पहचानना और समझना जरूरी है इसके आगे अगर हम बात करें तो और क्या क्या चीजें हैं जिनका हमें खास ख्याल रखना चाहिए डॉक्यूमेंटेशन के बाद वो डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली अच्छी तरह से कंसल्टेंट के पास पहुंचाना वो भी इम्पोर्टेंट है जो भी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल ईमेल से हुए वो तो से उनको हो जाएंगे। पर जो वो ऐसा कर सकते कि ये जो है, से सकते है, हैं अपने सेव कर ले और सबसे अच्छा तरीका वे है कि रेगुलर इंटरवल को पूरा फोल्डर कंसल्टेंट को मेल कर दे या अगर डॉक्यूमेंट की साइज बहुत ज्यादा है तो वो कंसल्टेंट के साथ वो एक शेयर कर ले वो जो ड्राइव में रखा हुआ है वो ड्राइव में एक शेयर कर ले ताकि Excellent. अपने टाइम पर उसको एक्सेस करके अपने पर लेकर वह अपने कंप्यूटर पर लेकर वहां पर उसका प्रॉपरली अकाउंटिंग कर देगा जी तो बेसिकली अगर देखा जाए तो आपका डॉक्यूमेंटेशन सही हुआ आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर हुआ, हाँ और मैं तो ये बिजनेस ग्रो, हुआ, ग्रो हो गया अब उसके बाद क्या वो और अकाउंटेंट्स रख लें अपने पास जब छोटा बिजनेस था तो आपने अपने तब आपको बड़े प्रोफेशन चाहिए मान लीजिए आपको सी रखना है तो एक अच्छा सी एफ ओ लाखों में मिलता है फिर आपको वही मुश्किल आएगी क्योंकि उस समय आप कम कमाते थे तो अकाउंटेंट अफोर्ड करना मुश्किल था अब आप थोड़ा ज्यादा कमा रहे हैं तो अकाउंटेंट नहीं चाहिए सी एफ ओ चाहिए तो अफोर्ड करना फाइनेंशियल ऑफिसर या चीफ लीगल ऑफिसर ये सब चाहिए उनको मेंटेन करना मुश्किल है तो फिर आप एजेंसी को हायर कर सकते हैं फिर जो कंसल्टेंसी एजेंसी है जो पहले अकाउंटिंग सर्विस दे रही थी ऐसी भी हैं जो आपको सी की सारी सर्विसेज देती है बहुत कम रेट पे हाँ क्योंकि हाँ वो हाँ क्या करते हैं ऐसे ही बीस पच्चीस या पचास कंसर्न को देने होते हैं तो एक सी एफ ओ बजाय एक कंपनी में जॉब करके पांच लाख रुपए महीना उससे हुँ। ले वो तो दस कंपनी में काम करे और उन सबसे पचास पचास हजार रुपए ले उनसे जितना पैसा वो कमा रहा है उससे ज्यादा पैसा अर्न करेगा उन सबको भी फायदा होगा उसको खुद को भी फायदा होगा तो इस तरीके से जो कोर बिजनेस करता है वो बिजनेस करे सारा ध्यान उसमें दे जो अकाउंटिंग प्रोफेशनल हैं और जो फाइनेंशियल हैं वो अपना काम करें उनको सर्विसेज देके तो इसी तरह से अल्टीमेटली हमारे देश की जो एमएसएमईज़ हैं वो और ग्रोथ करने वाली है उन सवालों की जो आपने हम तक पहुंचाए हैं स्टे ट्यून्ड जी बेटा आपकी मम्मी ने मुझे आपके पास रुकने के लिए बोला है जब भी घर पे अकेले रहोगे कोई भी आए दरवाजा बिल्कुल मत खोलना हेलो मम्मा क्या आपने आ... आपकी सतर्कता बेटी के जीवन का वरदान है खुद संभलें और अपनों को संभाले रेखा कहाँ हो चलिए भैया कहाँ हैं पड़ोस वाले भाई साहब क्या छोड़ आई हूँ जिस लॉकर में कैश और गहने उसकी चाबी भी पड़ोसी को दे दी भला अपना सामान पड़ोसी के कैसे छोड़ सकती में जब आप अपना कीमती सामान पड़ोसी के यहाँ छोड़ सकते तो बिटिया को पड़ोसी के पास कैसे छोड़ दिया आपकी सतर्कता बेटी के जीवन का वरदान है खुद संभल और अपनों को संभाले एक बार फिर से स्वागत है आपका और अब हम जवाब देंगे उन सवालों के जो आपने मेल्स के माध्यम से और ऑडियो क्लिप्स के माध्यम से हम तक पहुंचाए हैं पहले हम लोग मेल के सवाल ले रहे हैं ओखला दिल्ली से जुगन भाई हैं आप जानना चाहते हैं कि स्टैंड अप इंडिया जो स्कीम है उससे अगर लोन लेना है तो हम क्या करें वो हमारी सलाह मांग रहे हैं जुगन भाई बहुत आसान तरीका है आप एक वेबसाइट है उसका नाम है स्टैंड अप मित्रा डॉट इन जी उसमें जाके अपना रजिस्ट्रेशन कराइए वो बड़ा फ्रेंडली वेबसाइट है उसमें आप अगर अपना रजिस्ट्रेशन करा देंगे अपनी रिक्वायरमेंट बता देंगे उसके बाद आप उसे ट्रैक कर सकते हैं मेरी एप्लीकेशन कहाँ गई किस पोजिशन पर है प्रोसेस हुई नहीं हुई तो आपको सब कुछ पता चलेगा अगला सवाल हमारे पास आया है आपने जगह का नाम नहीं लिखा लेकिन मानी सोती जी हैं आप कहते हैं कि आप रेगुलर हमारा शो देखते हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर दैट और आप कहते हैं कि आप एक प्ले स्कूल खोलना चाहते हैं एक्चुअली एक प्ले स्कूल की फ्रेंचाइज लेना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस क्या होगा अगर आप फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास एक परमिसेज होना चाहिए एक जगह होनी चाहिए आपके पास जहाँ पे आप वो उसे उसे रन करेंगे क्योंकि जब फ्रेंचाइजी लेते हैं आप फ्रेंचाइजी बनेंगे फ्रेंचाइजर के पास जाएंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि मेरा इस एरिए में जिस एरिए में कम नर्सरी स्कूल हों पॉपुलेशन के हिसाब से यदि वो एरिया आप चुनते हैं उस एरिया में कोई स्पेस लेते हैं प्रॉपरली जो कि प्रॉपर नर्सरी स्कूल के लिए स्पेस हो मतलब इंस्टीट्यूशनल लैंड या उसका लैंड यूज उस लैंड बिल्डिंग का इंस्टीट्यूशनल हो मतलब स्कूल चलाने की उसमें परमिशन हो अगर आपके पास ये है तो किसी भी बड़े ब्रांड

आप एस सी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो अभी जो स्कीम है स्टैंड अप इंडिया की बहुत अच्छी स्कीम है अगर आप अपना बिजनेस करना चाहती हैं आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं स्टैंड में और उसको फॉलोअप कर सकती हैं तो आपको अपना पूरा बिजनेस स्टैब्लिश करने के लिए अगर आपका बिजनेस 10 लाख से लेकर एक करोड़ के बीच में स्टेब्लिश होता है तो आपको वहाँ से पूरी सुविधा और मदद मिलेगी जी और जिसमें कोई कॉलेटर सिक्योरिटी भी नहीं देनी पड़ती विकास जी, अगर आपके पास है तो आप 20 कंपनी में डायरेक्टर बन सकते हैं डिन नंबर एक ही बार लेना पड़ता है डिन का मतलब है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर जैसे हमारा पैन नंबर होता है वो एक ही होता है ऐसे भी एक ही होता है उसी डिन नंबर से आप एक या दो या बीस कंपनी मैक्सिमम में डायरेक्टर बन सकते जी और रितेश जी अब मैं आपको बता दूं कि ये हमारा भी एक खास सेगमेंट है जिसे हम शिल्पा भावना स्पेशल कहते हैं वो शुरू होने वाला है अच्छा। उसके बारे में बताएंगे आपको लेकिन उससे पहले हमारे सभी उद्यमियों के लिए आपका बिजनेस मंत्र मैं कहना चाहूँगा कि प्रॉपर अकाउंटिंग बिजनेस ग्रो करने की दिशा में पहला कदम है रितेश जी हाँ जिसकी जी। मैं बात कर रही थी शिल्पा भावना स्पेशल ये वो राउंड है जहां पर हम हमारे गेस्ट को सोचने का बिल्कुल समय नहीं देते हैं okay. हालांकि आपको सोच के जवाब देने हैं लेकिन आपको बिना वक्त गवाए जवाब देने हैं तैयार बिल्कुल बिल्कुल जी ये पहला सवाल है कि एम के लिए अकाउंटिंग में इन कंप्लायसेस को आप प्रायोरिटाइज करें टी सर्विस टैक्स इनकम टैक्स और वैट फर्स्ट टी डी एस वेट सर्विस टैक्स और इनकम टैक्स जी अकाउंटेंट ऑन द जॉब और प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर एज ए प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर ज्यादा बेहतर ज्यादा बेहतर हमारी जितनी भी एमएसएमईज हैं उनके लिए आपका एक अकाउंटिंग मूल मंत्र क्या होगा डिजिटाइजेशन ऑफ अकाउंट डिजिटाइजेशन होना जरूरी है बिल्कुल एंड आई होप कि जब हमारी सारी एमएसएमईज बहुत ही अच्छे तरीके से डिजिटाइजेशन के साथ काम करेंगी तो अल्टीमेटली हमारा देश ग्रो करने वाला है सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग सच नाइस आंसर्स और उसके लिए हमारे पास आपके लिए एक तोहफा है oh, दोस्तों व्यवसाय कभी भी कोई आसान नहीं होता उसे आसान बनाना पड़ता है कुछ चीजें नजरअंदाज करके कुछ बर्दाश्त करके कुछ मेहनत करके और कुछ सही समय पर सही फैसले लेकर तो उम्मीद करते हैं कि आप अपने व्यवसाय के लिए सभी सही फैसले सही समय पर लेंगे और बाकायदा लेंगे आज के लिए शिल्पा भावना को दीजिए इजाजत अगली बार फिर होगी आपसे मुलाकात थैंक यू सो मच जय हिंद Business ideas.